झारखंड के बहुचर्चित खनन घोटाले को लेकर 29 अक्टूबर यानी शनिवार की तारीख बेहद अहम है। इस दिन रांची स्थित ईडी कोर्ट में खनन घोटाले के 3 चर्चित आरोपियों की अलग अलग जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की तिथि निर्धारित है। इन तीनों ही आरोपियों के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दिया है। अब ये तीनों आरोपी अदालत के समक्ष जमानत की गुहार लगा रहे हैं। इनके मामले में ईडी ने जवाब दाखिल नहीं किया है, जिस पर कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को जमानत पर शनिवार को सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से की समय की मांग की थी। 17 अक्टूबर को पंकज मिश्रा ने जमानत याचिका दायर की है। 19 जुलाई से पंकज मिश्रा ईडी की न्यायिक हिरासत में है। वही पंकज मिश्रा के सहयोगी बच्चू यादव की ओर से ईडी कोर्ट में जमानत अर्जी दायर की गई है। मामले में कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। इस पर भी 29 अक्टूबर को ही सुनवाई होगी। बच्चू यादव को ईडी ने रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी। इसके बाद 11 अगस्त को उसे न्यायिक हिरासत पर जेल भेज दिया था। ईडी की टीम ने पत्थर व्यवसायी बच्चू यादव को 4 अगस्त को गिरफ्तार किया था। ईडी की टीम ने पहले ही साहिबगंज में उसके जहाज को जब्त कर लिया है। खनन घोटाले में चल रही ईडी की कार्रवाई के तहत जेल में बंद चर्चित कारोबारी प्रेम प्रकाश की जमानत अर्जी पर भी ईडी कोर्ट में 29 अक्टूबर को सुनवाई निर्धारित है। इसमें भी ईडी की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया गया, जिसके बाद अदालत ने ईडी को जवाब देने के लिए समय दिया है। ईडी ने अवैध खनन के मामले में प्रेम प्रकाश के 16 ठिकानों पर पहले छापेमारी की थी और बाद में 25 अगस्त को ईडी ने प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार किया था। ईडी की टीम ने प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर हुई छापेमारी के दौरान अरगोड़ा स्थित आवास से 2 AK-47 और 60 गोलियां बरामद की थी। इसके अलावा कई अवैध संपत्तियों व कोयला कारोबार से जुड़े दस्तावेज बरामद किए थे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।